दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस पिकनिक डीजे को बनाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसे यहाँ से चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इस पिकनिक डीजे को बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही बेहतरीन साउंड दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बनाने में इस बॉक्स का यूज किया है जो कि आपको बहुत ही आसानी से अपने बगल के दुकान पर या फिर आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। और बहुत ही हल्का है, ये पोर्टेबल है, इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, प्लस आप इसे चार्ज कर सकते हो और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत तगड़ा है। तो इसे ही हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं और इसको मैंने बनाते हुए एक एक स्टेप, एक एक वायर को मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप जो है कौन से वायर कहां कनेक्ट करेंगे, क्या क्या चीजें लगेंगी, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप भी बहुत ही आसानी से इसे अपने घर पे बना सकते हैं और म्यूजिक और मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट। तो दोस्तों, इस पिकनिक डीजे को बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह का बॉक्स चाहिए होगा। ये बॉक्स आराम से आपको अपने घर के किचन में मिल जाएगा या फिर आप शॉप से भी खरीद कर ला सकते हैं। और ये जो बॉक्स होना चाहिए थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बॉक्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मतलब मीडियम लेवल का है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसमें लगाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो यही है। और ये जो है एक ब्लूटूथ पैनल है, इसमें यहां पर आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ के लिए है और ये वाला जो है ये एम्पलीफायर के लिए है। मतलब कि आपका एक ही पैनल में ब्लूटूथ भी हो जाएगा और जो है ये जो है साउंड को एम्पलीफाई भी कर देगा, तो दोनों एक ही में मिल जाएगा। आप इसे एज अ ब्लूटूथ एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और ये जो है आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद ये जो है 2 इंच का एक स्पीकर है जिसका कि यूज हम यहां पर करेंगे। और ये जो हमारा ब्लूटूथ पैनल है उसके साथ ये स्पीकर बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो चलिए इन दोनों को पहले लगाने के लिए हम मार्किंग करते हैं। तो यहां पर मैं स्केल लाया हूं और स्केल से ये जो हमारा बॉक्स है इसमें से दोनों में से या फिर इधर या फिर उधर किसी एक तरफ ये स्पीकर और हमारा ब्लूटूथ पैनल दोनों को लगाने के लिए हम पहले मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर फटाफट से मार्किंग कर लिया जाए। मैंने यहाँ पर एक स्केल लिया है और एक ले लिया है मार्कर जिसकी मदद से मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ पैनल लगाने के लिए मार्किंग हो चुका है। अब यहाँ पर स्पीकर लगाने के लिए भी मार्किंग मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक राउंड बनाना होगा, तो राउंड बनाने के लिए मैं हेल्प ले रहा हूँ इस स्पीकर का और जितना इसका डायमीटर है हमें लगभग उतना ही डायमीटर का जो है हिस्सा काट कर यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों जो मार्किंग है वो हो चुका है। अब चलिए ये इसको काटकर निकाल दिया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक जो है हॉट कटर है जिसको मैंने एक वीडियो में बनाया था, इसकी मदद से मैं यहां पर इसको काट लूंगा दोनों को ही। आप चाहो तो किसी भी कटर वटर से इसको काट सकते हो। अभी मैं दिखाता हूं कि कौन से कटर से आपको काटना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये निकल चुका है और ये वाला जो कटर है ना इससे भी आप बहुत ही आसानी से इसको काट के निकाल सकते हो, आपको हॉट गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से यहां पर इसको भी निकाल लिया जाए। और ये दोनों काम जो है बहुत ही ईजी है, आप जो है मार्किंग अपने अनुसार बहुत ही आसानी से घर पे कर लेंगे और यहां पर इसको जो है कटिंग वटिंग भी आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं यहां पर कितनी आसानी से ये सब कर ले रहा हूं, आप भी बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में यहां पर एक स्विच भी लगाना होगा हमें, ठीक है। तो यहां पर एक SPST स्विच है मेरे पास जिसको कि मैं यहां पर लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहां पर पहले तो हमें इसका भी कटिंग करना होगा। तो यहां पर मैं कुछ मार्किंग कर ले रहा हूं और इसका जो है डायमेंशन देख ले रहा हूं, तो ठीक है मैंने देख लिया डायमेंशन और यहां पर चलिए यहां पर कटिंग करने के लिए यहां पर मार्किंग बना लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने मार्किंग बनाना शुरू कर दिया और मार्किंग लगभग बन चुका है और फटाफट से हॉट कटर से इसको भी काट कर निकाल देते हैं। तो ये जो है तीनों, बस इतना ही हमें कटिंग करना था, इसके बाद हमें कटिंग नहीं करना होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है कटिंग वटिंग हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दो बैटरी चाहिए होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो 18650 की लिथियम आयन सेल है। ये आपको 30 रुपये के लगभग में बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो चलिए इसको जो है एक साथ जोड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर फेविक्विक ले रहा हूँ और एक साथ जो है इन दोनों बैटरीज को कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो टेप वेप की मदद से भी कर सकते हो। तो ये जो है सूख चुका है। अब देखिए थोड़ा सा हमें इसका कवर जो है उसे निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जो ब्लेड है इससे कटिंग जो है यहाँ पर कर देता हूँ और इसका कवर हटा लेता हूँ। तो दोनों प्रकार कवर हमें लगभग कुछ इस तरह से हटाना होगा। आप चाहो तो इसका नेगेटिव जो जो टर्मिनल है उसे इसके पीछे से भी ले सकते हो। यहाँ से लेने में थोड़ा सा आसानी होगा, इसीलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। और हमें एक वायर चाहिए। ये जो है ब्लैक रंग का वायर है और इसका कवर मैंने थोड़ा सा लंबा हटाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो कवर है मैंने थोड़ा सा लंबा हटाया हुआ है और दोनों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ यहाँ पर मैं सोल्ड कर दे रहा हूँ। आप जो है इसका नेगेटिव टर्मिनल कहीं से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल जो है दोनों एक साथ कनेक्ट हो गए। अब चलिए पॉजिटिव टर्मिनल को भी एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ऊपर वाला जो दोनों टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पर भी हम एक जो है रेड वायर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं जो कि यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो दोनों बैटरी को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बैटरी जो है बहुत ही आसानी से पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। दोनों बैटरीज की जो कैपेसिटी है आप अपने अनुसार रख सकते हैं, 2000 mAh का, 1800 mAh का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें इन बैटरी को खराब होने से बचाने के लिए एक बैटरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल TP4056 लेना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इस पे B+ B- लिखा हुआ है और उसी पे हम बैटरी के दोनों टर्मिनल को, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को, जिसको हमने अभी अभी कनेक्ट किया उसको इन दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि जो हमारा TP4056 है उस पे B+ B- लिखा हुआ है, वहीं पर पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख के जो है कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुका है। बहुत ईजी है दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैंने डबल साइडेड टेप लिया है जिसकी मदद से इसी बैटरी पर हम इस TP4056 को चिपका देंगे। तो ये जो है पूरा का पूरा चिपक चुका है और इस पर जो है हमारा बैटरी प्रोटेक्शन मॉड्यूल भी लग चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लाते हैं अपने बॉक्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वही बॉक्स है जिस पर कि हमने अभी अभी कटिंग की है अपने सभी चीज इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमें एक लगाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चार्जिंग जैक है और ये चार्जिंग जैक बहुत ही ईजिली आपको 2 से 3 रुपए के बीच में मार्केट में मिल जाएगा। और ये जो ऊपर वाला ढक्कन है ना, इसी ढक्कन में हम इस चार्जिंग जैक को लगाएंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर छेद करना होगा। तो चलिए फटाफट से इसमें छेद बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं छेद बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ इस सोल्डरिंग आयरन का, और सोल्डरिंग आयरन से मैंने छेद बना लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फिनिशिंग देता हूँ और यहाँ पर ये जो हमारा चार्जिंग जैक है इसको अच्छे से यहाँ पर प्रेस कर देंगे और ये जो है एकदम अंदर जाकर लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा चार्जिंग जैक लग चुका है। अब चलिए इसका कनेक्शन करना शुरू करते हैं। और इसका कनेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वायर लिया है, थोड़ा सा जो बॉक्स है उसके लेंथ से थोड़ा सा ही बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये जो हमारा चार्जिंग जैक है उसमें 2 टर्मिनल मिले हो गए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस पर 2 टर्मिनल है और इन दोनों टर्मिनल में से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। आप जो है मल्टीमीटर से या फिर चार्जर वार्जर लगा के चेक कर लीजिएगा कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है, और इन दोनों पर ही हमें इन दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मैंने इन दोनों वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारा ढक्कन है इसको कसते हैं, और कसने से पहले जो वायर है इसके अंदर हम डाल देते हैं अपने बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से आप जो है इस बॉक्स के अंदर जो वायर है उसको डाल सकते हैं और जो ढक्कन है उसको कस सकते हैं। उसके बाद 2 वायर मिले हैं जिसको हमें निकालना है जो स्पीकर वाला गैप है उसमें से, और इन दोनों वायर को हमें कनेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग जैक लगा हुआ है, जो TP4056 में चार्जिंग जैक लगा हुआ है उसी के लेफ्ट राइट, ठीक है, वहीं पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख हैं कि ये जो हमारा ब्लूटूथ पैनल विथ एम्पलीफायर सर्किट था उस पे हम वायर्स कनेक्ट करेंगे। तो चलिए वायर्स को कनेक्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों इस पे वायर्स कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, तो जहां पे बैटरी का जो कनेक्शन है वहां पे हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि रेड और ब्लैक वायर है जिसको कि मैंने कनेक्ट कर दिया है इसके बैटरी वाले सेक्शन पे। अब जो है स्पीकर प्लस स्पीकर माइनस लिखा हुआ है, तो हम
एक और वायर लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि दो और वायर लिया है हमने, ठीक है, एक और जोड़ा मतलब कि दो वायर, और इस पे जो है कनेक्ट कर देंगे। तो नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रख के चलिए यहां पर भी कनेक्ट कर देते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से इसको घर पर कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कनेक्ट हो चुका है, दो दो वायर, चार वायर मिले हमें। एक जो एक से जो है इसमें बैटरी का पावर देंगे और एक से जो है स्पीकर लेंगे, और कोई कनेक्शन इसमें करना नहीं है हमें। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए इसको हम इसमें फिक्स करना शुरू करते हैं, उससे पहले हमें कुछ कनेक्शन तो करने ही होंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको जो है ये जो हमारा चारों वायर है उसको हम जो हमारा ब्लूटूथ पैनल के लिए जो हमने कटिंग की थी उसके अंदर से हमें निकाल कर ऐसे ले लेना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है बैटरी का वायर है, ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं ये बैटरी का वायर है, और इसे हमें कनेक्ट करना होगा TP4056 पे जो है आउट प्लस और आउट माइनस लिखा होगा, जहां से हमें बैटरी का पावर मिलेगा। आप इसे डायरेक्ट बैटरी पर भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जहां पे आउट प्लस आउट माइनस मिलेगा वहीं पर जो हमारा जो ब्लूटूथ पैनल और एम्पलीफायर पैनल में से आ रहा है जो वायर है पावर का, उसको हम यहां पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में यहां पर एक मैं डबल साइडेड टेप ले रहा हूं, और इसी की मदद से हम बॉक्स में इसको चिपकाएंगे, अपनी जो बैटरी है उसको अंदर चिपकाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डबल साइडेड टेप मैंने निकाल दिया है। आप चाहो तो ग्लू गन से किसी भी चीज से चिपका सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए फटाफट से इस बैटरी को हम अंदर डालते हैं और कुछ इस तरह से हम चिपका लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आपकी मैंने कनेक्शन करके बैटरी को अंदर डाल दिया, और ये जो है बहुत ही आसानी से जो है चिपक चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वाला जो वायर देख रहे हैं आप, जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव वायर है उसको हम कुछ इस तरह से लेंगे। जो इसमें पावर देने के लिए आ रहा है, हमारा ब्लूटूथ पैनल में पावर देने के लिए आ रहा है, उसका पॉजिटिव वायर लेंगे हम, और स्विच वाला जो गैप है उसमें से निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसका कनेक्शन स्विच पे करना होगा। अभी जो दो वायर और बचे हैं वो स्पीकर के है, ठीक है, तो उसको हम स्पीकर वाले छेद में से कुछ इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा पैनल है इसको हम कुछ इस तरह से अभी लगा देते हैं, और इसको जो है हम अभी नहीं, थोड़ी देर बाद इसको कस देंगे। पहले तो इसको हम ऐसे काट लेते हैं, और काट कर जो हमने SPST स्विच लिया था, ये देखिए ये वाला जो SPST स्विच हमने लिया था, इसको जो है इसके दोनों टर्मिनल पे, ठीक है, दोनों टर्मिनल पे यहाँ पर जो दोनों वायर हैं, जो कि मेन वायर हैं, जो कि हमारे ब्लूटूथ पैनल को पावर देंगे, उस पर इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, उन दोनों वायर को इस पर कनेक्ट कर देंगे, जो कि कनेक्ट हो चुके हैं। अब चलिए यहाँ पर इस ये जो हमारा स्विच है, SPST स्विच है, इसको हम कुछ इस तरह से ऐसे लगा देते हैं, और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इसको चिपकाने उपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों वायर बचे, सिर्फ लास्ट में यही दोनों वायर बचे, और ये स्पीकर के वायर हैं, ठीक है, जो स्पीकर के वायर आ रहे थे ब्लूटूथ और एम्पलीफायर पैनल में से, ठीक है, उन दोनों को हम यहां पर कनेक्ट कर देंगे स्पीकर में, ठीक है। स्पीकर में कनेक्ट करते समय पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान सिर्फ यही नहीं, हर जगह रखना है पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान, क्योंकि अगर ब्लूटूथ पैनल में कनेक्ट करते हुए थोड़ा सा भी उल्टा हुआ तो हमारा खराब हो जाता है ब्लूटूथ पैनल। अब चलिए यहां पर स्पीकर का कनेक्शन हो चुका है, अब चलिए यहां पर हम इस स्पीकर को लगा देते हैं। तो ये जो सब कुछ है फिक्स हो चुका है, अब हमें इसे स्थायी करना होगा। तो स्थायी करने के लिए यहां पर देख सकते हैं आपकी मेरे पास दो स्क्रू है, और यहां पर दोनों स्क्रू को हम कुछ इस तरह से ऐसे लगा देंगे। अब चलिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इस पैनल को इस बॉक्स पे अच्छी तरीके से कस लेते हैं। तो यहां पर मैं इसे कस लेता हूं, और इसको कसने के बाद हमें जो है अपने जो स्पीकर है हमारा उसको भी कसना होगा, जिसके लिए मैंने यहां पर चार स्क्रू और ले लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, तो ये देख सकते हैं आपकी चार स्क्रू मेरे पास और है। तो यहां पर जहां पे गैप बना है स्पीकर को कसने के लिए इस बॉक्स में, उसको मैं कुछ इस तरह से कस दूंगा। मैं चाहता तो वो गोल वाला स्पीकर भी लगा सकता था, उसको चिपका सकता था। आपके पास वो गोल वाला स्पीकर है तो आप लगा सकते हो, आपको स्क्रू कसने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको आप चिपका सकते हो, वो भी अच्छे से चिपक जाएगा ग्लू उलू से। लेकिन ये जो है थोड़ा सा ज्यादा सेफ होता है स्क्रू से कसा हुआ जो स्पीकर है। तो ये जो है स्क्रू कसने के बाद पूरा तैयार हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाऊंगा कि ये कितना पावरफुल बना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा पिकनिक डीजे जो है बनकर तैयार हो चुका है। आप इसकी डिजाइनिंग देख सकते हैं, ये कितनी बेहतरीन तरीके से बना है। इसका हैंडल जिसको आप पकड़कर कहीं भी ले जा और ले आ सकते हैं बहुत ही अच्छे से, और इसको आप बनाकर सालों साल यूज कर सकते हैं। इसको चार्ज करना है तो आप यहाँ से इसे चार्ज कर सकते हैं अपने कोई भी मोबाइल चार्जर से। इसके बाद इसको ऑन करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हमने एक SPST स्विच लगाया है, जिससे कि आप इसे ऑन कर सकते हो। वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि ये जो
हमारा ब्लूटूथ पैनल है उसमें भी जो है ऑन ऑफ का जो स्विच है वो दिया है, लेकिन ये वाला जो स्विच है अच्छा नहीं होता है, जल्दी खराब हो जाता है, तो जल्दी ना खराब हो इसलिए ये स्विच मैंने लगाया। मैंने वीडियो के अंदर ये आपको नहीं बताया लेकिन यही कारण था जो कि मैंने यहाँ पर एक स्विच लगाया इसके होने के बावजूद। और ये जो स्पीकर है तो इसके क्या ही कहने, ये स्पीकर और सबवूफर एक ही है जो है बहुत ही कमाल का और बहुत ही तगड़ा आवाज देगा। तो चलिए यहाँ पर इसको ऑन करते हैं और इसकी पेयरिंग अपने फोन से कराते हैं, फिर मैं सुनाता हूँ कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल और कितना ज़्यादा तगड़ा है। तो चलिए इसको ऑन किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है और ये जो है एक स्मार्टफोन से पेयर भी हो चुका है। आपका ब्लूटूथ ऑन रहता है तो ये पेयर हो ही जाता है जैसा कि आप जानते हैं, तो इस फोन से ये पेयर हो चुका है। चलिए ऑन करते हैं और मैं आपको कोई नॉन कॉपीराइट म्यूजिक जो है सुनाता हूँ। तो चलिए एक म्यूजिक ऑन करके यहाँ पर मैं आपको सुना देता हूँ कि ये कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से और कितना ज़्यादा पावरफुल ये बना है। I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. A haunted house. If you're too scared, get out. A haunted house. I'm a haunted house. And I want to scribble down my wall saying that you better turn off. You can be the first to try to burn me down. You're cool, you too. But you love me all the worst. You're the coffin sinners. Or you try to break. तो दोस्तों देखा आपने ये कितने अच्छी तरीके से बज रहा है और इसका जो बेस है वो तो बहुत ही पावरफुल है। जैसा कि आपने देखा कि बजते समय ये जो है पूरा तहलका मचा दे रहा था। तो आप इसे कहीं भी ले आ सकते हैं, आप इससे म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं, मूवी एंजॉय कर सकते हैं, एक छोटे होम थिएटर की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपको हमारे इस पिकनिक डीजे की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेकिंग समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नए और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।